दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ रेशर स्पेशल डे एमसीक्यू डिटेल न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई सड़ी, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सकें। आपको ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो सेक्शन में 6 AM पर डेली मिलती है, रेगुलर देखिए, बेनिफिट ज़्यादा होगा आपको। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 14 दिसंबर है आज, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। वी ऑल नो कि एनर्जी का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए फॉर फ्यूचर, और इसीलिए 1991 में पहली बार जो है 14 दिसंबर को एनर्जी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। इस साल भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सेलिब्रेट किया है एनर्जी कंजर्वेशन वीक, जो कि 8 से लेकर 14 दिसंबर के बीच में हो रहा है, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए अपना, देखिए इन्वेस्ट इंडिया ने और कौन सा टेलीकॉम कंपनी है इंडिया का जिसने लॉन्च किया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, तो ये एयरटेल के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं, आप सभी जानते हैं भारतीय एयरटेल जो है इंडिया का प्रीमियम कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, और इसने हाल फिलहाल में इन्वेस्ट इंडिया के साथ टाई अप किया है सो डैट कि ये लॉन्च कर पाए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए पहले जानते हैं कि इसमें क्या होगा, इस पूरे इनोवेशन चैलेंज में क्या होगा कि जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो कि वर्क जो 5G IoT क्लाउड कम्युनिकेशन डिजिटल एडवर्टीजमेंट डिजिटल एंटरटेनमेंट पे वर्क कर रहे हैं, उन सभी को इनवाइट किया जाएगा कंपटीशन के लिए। उसमें से टॉप 10 जो स्टार्टअप होंगे उनको एक कैश प्राइज भी मिलेगा, और उनको एयरटेल जो डिजिटल इनोवेशन लैब है उसमें टाई अप करने का मौका मिलेगा, ग्लोबल पार्टनर से ठीक है टाई अप करने का मौका मिलेगा, और उनको ऑन बोर्ड किया जाएगा एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलेटर प्रोग्राम में। एयरटेल के बारे में जानते हैं, देखिए एयरटेल के हेडक्वार्टर डेफिनेटली इंडिया में ही है, ग्लोबल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर जिसके 480 मिलियन कस्टमर है 17 कंट्री में, जो कि साउथ एशिया और अफ्रीका में है, और ये कंपनी ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप 3 मोबाइल ऑपरेटर्स में से एक है, जिसका सर्विस जो है 2 बिलियन लोगों के अराउंड है। और देखिए इन्वेस्ट इंडिया के बारे में भी जान सकते हैं हम, ठीक है इसकी सेटअप जो है 2009 में हुई थी एज ए नॉन प्रॉफिट वेंचर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनेट ट्रेड के अंतर्गत, और ये किसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए देखिए एक और सवाल, फेडरल बैंक जो है इसके बैंक अश्योरेंस के लिए किसके साथ टाई अप किया गया है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया गया, तो स्टार्ट हेल्थ इंश्योरेंस के साथ फेडरल बैंक ने टाई अप किया है। तो फेडरल बैंक ने टाई अप किया है इंडिया का फर्स्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है स्टार हेल्थ एनालाइज इंश्योरेंस को लिमिटेड। और देखिए अब इससे क्या होगा कि जो है ना ये कॉरपोरेटिव एजेंट की तरह काम करेगा, जिससे जितने भी फेडरल बैंक के कस्टमर्स है 8.90 मिलियन कस्टमर जो कि अराउंड 1291 ब्रांचेस में है ऑल ओवर द कंट्री, उन सभी को जो है हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज मिल पाएंगी फेडरल बैंक की तरफ से। तो ये डेफिनेटली एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरह काम करेगा फेडरल बैंक इस इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ध्यान रखिए फेडरल बैंक पे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके 1290 के अराउंड जो है बैंकिंग ब्रांचेस हैं, आउटलेट हैं, ATMs हैं, और स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस की बात करें तो इसका स्टार्टअप जो है इसके ऑपरेशन जो है 2006 में स्टार्ट हुआ था एज अ फर्स्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि हेल्थ जो है पर्सनल एक्सीडेंट इन सब चीज़ों को इंश्योरेंस के थ्रू कवर करता है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में किसे अवार्ड मिला है 2022 ठीक है RIB रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा दिया जाता है, तो ये मिला है बालकृष्णन दोषी जी के द्वारा, इनको ये अवार्ड मिला है। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए पहले तो ध्यान रखिएगा ये जो अवार्ड है ये वर्ल्ड हाईएस्ट ऑनर माना जाता है आर्किटेक्चर का, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा दिया जाता है, तो इस बार का ये बालकृष्णन दोषी जी को मिला है। ठीक है अब ये इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि ये स्पेशली क्यून के द्वारा खुद पर्सनली अप्रूव किया जाता है कि किसको ये अवार्ड मिलेगा, ये हमेशा लाइफ टाइम वर्क अचीवमेंट्स के ऊपर मिलता है, ये किसी व्यक्ति को भी मिल सकता है और किसी ग्रुप ऑफ पीपल को भी मिल सकता है जिसका आर्किटेक्चर में जो है एक अच्छा इन्फ्लुएंस रहा हो। तो उनमें से एक है बालकृष्ण दोषी जी, इनका जन्म 1927 में पुणे में हुआ था, और इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग है वो जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बॉम्बे से करी थी, उसके बाद इन्होंने ठीक है ल्यू कॉर्ब्यूसर जो है सीनियर डिज़ाइनर थे पेरिस में, उनके साथ 4 साल काम भी किया था, उसके बाद आज के समय में जो फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है इसका आर्किटेक्चर इन्होंने किया लुइस खान के साथ मिलके। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है इनमें से कौन है गूगल के मोस्ट सर्च पर्सनैलिटी इंडिया में 2021 के, तो वी ऑल नो नीरज चोपड़ा जी, तो 2021 में मोस्ट सर्च पर्सनैलिटी सेलिब्रिटी जो है हम कह सकते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से ये जो है डाटा दिया गया है गूगल इंडिया के द्वारा,
ठीक है, कि ये रिजल्ट मोस्ट सर्च आइटम के ऊपर है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके का हो सकता है। कैटेगरी अलग अलग है, पहला जो कैटेगरी है वो पर्सनालिटी कैटेगरी है, फिर न्यू इवेंट्स, रेसिपी, मूवीज एंड मोर, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग आंसर होंगे। तो अगर मोस्ट सर्च सेलिब्रिटीज़ की बात करी जाए तो नीरज चोपड़ा जो है टॉप पे हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर आर्या खान और शहनाज गिल, इसी में ही सेलिब्रिटी की लिस्ट में ही एलन मस्क जो है फिफ्थ पोजीशन पे है अगर इंडिया के सर्च की बात करी जाए। ठीक है, तो वी ऑल नो नीरज चोपड़ा जी के बारे में जो है ओलंपिक जीते हैं, पर अगर इन सब्जेक्ट्स पूछा जाए कि इन सब्जेक्ट सर्च किसको किया गया है, तो इन सब्जेक्ट इंडियन प्रीमियर लीग को जो है सर्च किया गया सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो है कोविन, यूरो कप और टोक्यो ओलंपिक्स, और ये सब जो है ना टॉप फाइव लिस्ट में इन सब्जेक्ट देखा जाए, इन सेलिब्रिटी जो है नीरज चोपड़ा जी। चलिए देखें महत्वपूर्ण सवाल। हाल फिलहाल में इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 रिलीज़ किया गया वी बॉक्स के द्वारा, जिसमें महाराष्ट्र जो है फर्स्ट नंबर पर है। ये इस बार का कौन सा एडिशन था? ये 9th एडिशन था। देखिए ऑल एज ऑलवेज, ठीक है, महाराष्ट्र ने इस बार भी रिटेन किया टॉप पोजीशन। ये इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा, स्किल रिपोर्ट जो है सॉरी 2022 किसके द्वारा देगी, तो ये जो रिपोर्ट है वी बॉक्स के द्वारा देगी। ये 9th एडिशन है जिसमें इंडियन स्किल्स जो है ना उसका अपडेट दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें पार्टनरशिप जो है वी बॉक्स के साथ किसने करी है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन, एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम और पीपल स्ट्रॉन्ग एंड टेक जो है, ये सब जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया था, जिसके बाद ये रिपोर्ट इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 दी गई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, देखिए रिपोर्ट पूरा पर्पस बताता है कि फ्यूचर वर्क कैसा है किस स्टेट में, एजुकेशन और स्किलिंग के बाद जो है एम्प्लॉयमेंट कैसी दी जा रही है, तो इसके बारे में बताएगा। और महाराष्ट्र ने इसमें टॉप पोजीशन जो है लिया है, हाईएस्ट पोल जो है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयबल टैलेंट के यही पे पाए गए, उसके बाद सेकंड नंबर पे यूपी आया है, फिर थर्ड नंबर पे केरला आया है। ठीक है, इस पूरे इसमें इस बार का जो थीम था इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 का, ये था रिबिल्डिंग री इंजीनियरिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अनाउंस किया है टू इम्प्लीमेंट द कमिश्नरेट सिस्टम, तो ये मध्य प्रदेश ने, ठीक है, अनाउंस किया है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम भोपाल और इंदौर में, दो लोकेशन है जहाँ पे इसे जो है अनाउंस किया है। ठीक है, अनाउंसमेंट सीधा चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी के द्वारा की गई थी कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है इन दो जगह पे आएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी डिमांड्स है, तो उस वजह से जो है कमिश्नरेट सिस्टम लाना जरूरी है, जैसे लोअर डोलर जो है बना रहे। तो इसके हिसाब से 36 पुलिस स्टेशन जो है इस सिस्टम में आएंगे इंदौर में, और 38 पुलिस स्टेशन आएंगे भोपाल से। ठीक है, और इसमें सेम वही फंडा रहेगा जो कमिश्नरेट सिस्टम का रहता है, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल जो है ऑफ पुलिस जो है एक लेवल ऑफिसर रहेंगे, ठीक है, दोनों सिटीज़ के अलग अलग के, और उसके अलावा जो है सीपी जो होंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। चलिए देखें महत्वपूर्ण सवाल, यूनियन मिनिस्टर जो हैं श्री सर्बानंदा जो सोनवाल हैं, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है रिवर क्रूज सर्विस मरगांव पोर्ट में, कौन सी स्टेट में, तो मरगांव पोर्ट कहाँ पे, गोवा में, इसलिए इसका आंसर गोवा ही है। ठीक है, देखते हैं जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है रिवर क्रूज सर्विसेज जो है इनोग्रेट किया गया मरगांव पोर्ट ट्रस्ट गोवा में, तो ये इनके द्वारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के द्वारा जो है इनोग्रेट किया गया। देखिए ये एक तरीके से अनाउंसमेंट जो है ना सभी सर्विसेज के लिए है, इमिजिएटली सभी रूट्स पर जो है ये सर्विसेज दी जाएंगी, और इसमें एक बेनिफिशियली एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है पूरा डबल डेक बोट सिस्टम टूरिस्ट के लिए लाया जा रहा है, इसमें गोवा का कल्चर हिस्ट्री दिखाई जाएगी। उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वेंचर अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी सिमिलर टाइप का रिवर क्रूज सर्विसेज स्टार्ट कर सकता है, जो कि फैसिलिटी अवेलेबल है पोर्ट पे। तो ये एक तरीके से फैसिलिटी दी जा रही है जिससे इन्वेस्टमेंट भी हो पाएगा, सर्विसेज भी मिल पाएंगी, ठीक है, और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगी। पूरा जो टर्मिनल है वो सेटअप किया गया है अंडर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप टर्मिनल सेटअप है उसमें, जिसमें जो है ऑपरेशन किसका होगा, साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड का और अदानी मरगांव पोर्ट ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड जो कि किस स्टेट में लोकेट है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया रामेसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत, तो ये कहाँ पे है, यूपी में है। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है यूपी में है, जिसको 1971 के रामेसर कन्वेंशन के, ठीक है, बिहार पर वेटलैंड घोषित किया गया, रामेसर साइट घोषित की गई है। तो ये जो पूरा हैदरपुर वेटलैंड है ये मध्य गंगा बैरेज है वहाँ पर लोकेटेड है, जो कि 10 किलोमीटर है फ्रॉम बिजनौर, जो कि वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। तो यूपी में अब नो रामेसर वेटलैंड साइट हैं,
ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं नमामि गंगे जो सिग्निफिकेंट फ्लैगशिप मॉडल है उसके तहत, तो इम्पोर्टेंट है ऑल ओवर इंडिया में 47, है ना। और इस पूरे हैदरपुर वेटलैंड का खासियत क्या है कि यहाँ पर एक ब्रीडिंग साइट है जहाँ पे नियर थ्रेटेंड इंडियन ग्रास बर्ड्स जो हैं सर्वाइव करती हैं, ठीक है, जो कि एक रेफ्यूजी है नॉर्दर्न सब स्पीशीज पॉपुलेशन की, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ना। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है जीरो कोविड पॉलिसी। तो जीरो कोविड पॉलिसी किसके द्वारा, हांगकांग के द्वारा जो है इंप्लीमेंट की गई है। देखिए हांगकांग ने जो है चाइना, आप सभी जानते हैं कि जो हांगकांग सिटी है वो अंडर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन है चाइना के, चाइना के अंडर आता है। तो ये लोकेटेड कहाँ पे, ईस्टर्न पर्ल रिवर है डेल्टा साउथ चाइना के नियर बाय, तो यहाँ पर ये हांगकांग लोकेटेड है, पूरा मतलब चाइना के अंडर आता है। तो अब इनके द्वारा ये जीरो कोविड स्ट्रेटजी जो है अडॉप्ट की गई है, जिसमें एक तरीके से, ठीक है, जितना भी कोविड को रोकने के लिए मेजरमेंट्स हैं उसको एक स्ट्रिंजेंट तरीके से लेने वाले हैं। इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो रूल इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसमें सबसे पहला रूल ये है कि यूएसए के जो भी टूरिस्ट आएंगे हांगकांग में उनको एक हाई टायर क्वारंटाइन मेजर से होके जाना पड़ेगा, ठीक है, तो कि जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होने वाला है, ठीक है। और जैसे कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो ज़्यादा ही आ रहा है, तो इस वजह से भी जो है इसको किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सी मिनिस्ट्री ने होस्ट किया है डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल। तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए जानते हैं इसके बारे में, एक यूनिक इवेंट है, आप सभी जानते हैं भारत में डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हो रही है, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है लाया गया, ठीक है। इसमें जितने भी गवर्नमेंट लीडर्स हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। ये कहाँ पे इवेंट हुआ था, इंडिया हैबिटेट जो सेंटर है वहाँ पे ये इवेंट हुआ था, और जिसमें जो है अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंस की गई थी, स्किट्स की गई थी। देखिए इसमें कुछ नई चीज़ें हुई हैं, पहली बार जो है डिगी धन लोगो जो है इसको लॉन्च किया गया, दूसरी बात, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स संदेश यात्रा जो है इसे भी जो है लॉन्च किया गया, डिजिटल पेमेंट एंथम भी लॉन्च किया गया चुटकी बजा के, जिसका मतलब है कैशलेस, टचलेस और पेपरलेस। और जितने भी टॉप बैंक्स हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, ये सबको सेलिब्रेट करते समय अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जितना भी जिन्होंने डिजिटल पेमेंट में परफॉर्मेंस किया है। चलिए आज के क्विक पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में माइक्रो फाइनेंस लोन वेवियर स्कीम किसने लॉन्च, कौन सी सरकार ने लॉन्च की, तो आसाम सरकार ने, ठीक है। हाल फिलहाल में कौन से इंडियन मिनिस्टर हैं जिनका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इंडिया ने जो है रिपब्लिक डे 2022 के लिए किसे इनवाइट किया है, तो सेंट्रल एशियन अफ्रीका जो कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, सॉरी, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इनवाइट किया है। मैंने कल एक सवाल पूछा था आप सभी से कि महात्मा गांधी जी ने जो सोल सत्याग्रह किया था वो कितने दिन के लिए हुआ था, सभी का आंसर सही है, तो मयूरी म्यूल का द्वारा भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, 24 दिन के लिए सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, सोल सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का ये पार्ट था, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का सवाल, सीएचएस का बहुत प्यारा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट भी है वैसे, ठीक है। हाउ डिड लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ ग्रुप ओरिजिनेटेड, ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है, किस कारण से, डिटेल फॉर्म में बताइए लक्षद्वीप में कितने आइलैंड हैं, ठीक है, ये सब आप बता सकते हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं ये सब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सर्च करें, ये क्लास डेली बेसिस पे 6 AM पर वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में मिलती है, और टेलीग्राम चैनल पे भी, तो आप इसे ज्वाइन कर लें, सो आपको PDF भी मिल सके, फ्री क्लासेस का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, आप फ्री क्लासेस जरूर देखें, कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, नए बैचेज हैं। देखिए जब आप बैचेज ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, रेफर कोड लाइव अमन से आपकी फ़ीस कम हो जाती है, तो आप जितनी भी फीस है उसको कम करने के लिए रेफर कोड लगा सकते हैं, सभी टीचर से पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।